ये लास्ट ईयर 30 मार्च 2023 को जो नवरात्रि की नवमी है उस दिन जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में जो बैलेश्वर भगवान जो शिव मंदिर है उसमें बड़ी ही दुखद दुर्घटना हुई थी। और पूरा ना केवल पूरा शहर पूरा राज्य बल्कि पूरे देश भर में एक बड़ी ही दुख उसमें प्रकट किया गया था। घटना बड़ी विभत्सी। मंदिर में पूजा पाठ के दौरान एक हादसा हुआ। जिस जगह पे पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था, वहाँ उसके नीचे कोई पहले कभी कोई बावड़ी रही होगी जिसके ऊपर स्लैब डाल के उसको ढक दिया था, और उसके अचानक धंसने से उस घटना में हमारे इंदौर शहर के 36 महानुभाव शांत हो गए थे और लगभग 18-20 उसमें घायल हुए थे। इस पूरे प्रकरण को पूरे ही हमारे इंदौर शहरवासियों ने, शहर के प्रबुद्ध जनों ने, हमारे जो पूरे अक्रॉस द सोसाइटी एक बहुत ही शोक की लहर इसमें चली गई थी। सभी ने काफ़ी इसमें अपना जो अपनी व्यथा है या अपना रोष है या जो अपना वो कंसर्न है इसमें बिल्कुल उन्होंने प्रकट किया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए उसमें दो चीज़ें पैरेलल चली। एक FIR हुई 304 और 34 IPC, सेक्शन 34 IPC, और साथ ही इसमें एक जुडिशियल इंक्वायरी भी, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी इसमें लगातार पैरेलल चल रही थी। पूरे प्रकरण को माननीय न्यायालय में भी कुछ जो हमारे कुछ तीन लोगों ने, तीन जो वक्ता है, अधिवक्ता है, उन्होंने इसमें PIL भी लगाई थी। तो ये सारी चीज़ें एक साथ चल रही थी लगा, और साल भर से बहुत ही अच्छी इन्वेस्टिगेशन हमारे जो ACP जूनी इंदौर हैं उनके निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में, हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके मार्गदर्शन में, और जो हमारे TI साहब जो इसमें आई हुए हैं उन्होंने बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन इसमें की है। और लगातार अलग अलग विभागों से जानकारी प्राप्त कर करी इसमें आज पूरा डिस्कशन के बाद और पूरा जो जो डायरी है हम दोनों अधिकारियों ने उसको पढ़ा है, जाना है, समझा है, वरिष्ठ अधिकारियों से भी उसमें चर्चा की है। आज दो लोगों को इसमें हमने गिरफ्तार किया है और दोनों का मेडिकल करा के माननीय न्यायालय में पेश कर रहे हैं और माननीय न्यायालय में पहुंच भी गए हैं। इनमें एक जो अध्यक्ष हैं ट्रस्ट के और एक सचिव हैं, और अभी हमारी जो विवेचना है अभी भी जारी है, और जैसा भी आगे इस विवेचना में होगा हम आपको सूचित करेंगे। और इंदौर पुलिस, चूंकि आने वाले कुछ दिन बाद इस घटना की एक बरसी है, इंदौर पुलिस उन सभी जो मृतक हैं जो शांत हो गए उनको परिवार को और उनके लिए हम बिल्कुल प्रार्थना करते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआएं करते हैं, और जो इन्वेस्टिगेशन है इसमें चलती रहेगी। नहीं देखिए, इसमें जो मैंने बताया कि कुछ हमारे माननीय हाईकोर्ट के कुछ निर्देश हैं उसमें मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा। अध्यक्ष और सचिव को हमने इसमें गिरफ्तार किया है। रही बात कि इतने दिनों बाद क्यों हुआ है, इसका जवाब, क्योंकि मैंने अभी ज्वाइन किया है, उन सब चीज़ों के जवाब आई थिंक ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। गिरफ्तार हो गया। और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।